नियोजन की विशेषता यानी कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ मैनेजमेंट, उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। नियोजन का सबसे पहला जो हम करेक्टरिस्टिक है वो है नियोजन सतत चलने वाली प्रक्रिया है। व्हाट डस दिस मीन, नियोजन जो है एक हम ये कह सकते हैं इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, नियोजन जो है कभी भी नहीं रुकता, हमेशा चलता रहता है, हमें हर कार्य के लिए नियोजन करना पड़ता है, बिना योजना के कुछ भी हमारा संभव नहीं है। अगर आप बिना प्लानिंग के कार्य करोगे तो आप अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाओगे। हो सकता है आपको उद्देश्य पूरा मिल जाए, लेकिन उस उद्देश्य को पूरा करने में आप हो सकता है बहुत से साधनों को व्यर्थ में गंवा बैठोगे, यू विल वेस्ट योर रिसोर्सेस। सो टू अचीव योर गोल इन अ प्रॉपर वे बाय वी कैन से दैट बाय स्पेंडिंग वेरी लेस रिसोर्सेज, बाय सेविंग योर मैक्सिमम रिसोर्सेज, यू हैव टू प्लान योर वर्क। इसके बिना कार्य संभव नहीं है। सो हम कहेंगे कि ये चलने वाली प्रक्रिया, इसका मतलब ये है कि हम एक कार्य की योजना बनाते हैं, जैसे ही वो योजना पूरी होती है तो दूसरी कार्य आ जाता है, तो दूसरी योजना बनने लगती है। दैट मीन्स हमारी होल लाइफ में योजना हमारे साथ ही चलती है, कभी भी खत्म नहीं होती। कोई कार्य आपने देखा होगा, हम कभी भी नहीं कह सकते कि बस अब मुझे कुछ नहीं करना, मेरी सब कुछ इच्छाएं पूरी होगी। अगर हम में ये फीलिंग आ जाएगी दैट वी आर सेटिस्फाइड और मुझे कुछ नहीं करना, तो क्या होगा, हम कुछ भी कार्य नहीं करेंगे, हमारे को जीने की उमंग ही नहीं रहेगी। हम क्यों जीते हैं, हम अपनी नए हमारी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जीते हैं, हम नए नए वैज्ञानिक लोग नए नए खोज करते हैं, हम आगे बढ़ने के लिए कार्य करते हैं, हम उन्नति पाने के लिए कार्य करते हैं, यानी कि हमारे इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होती, मनुष्य की आवश्यकताओं का कभी भी अंत नहीं है। तो हर कार्य को करने के लिए हमें योजना बनानी पड़ती है, इसलिए योजना हमारी हमेशा चलती रहती है। एक योजना खत्म होगी, दूसरी आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, इस तरह से इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट विल नेवर स्टॉप, इट विल नेवर एंड। सेकेंड इसकी क्वालिटी है कि विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं में से सर्वोत्तम का चयन। What does this mean? That there are many alternatives and we have to select the best alternative. हम कोई भी योजना बना रहे हैं, उस कार्य को हमें पूरा करना है, तो हमारे पास बहुत से alternatives आ जाते हैं। अब योजना में क्या होता है कि हम उन विकल्पों में से सबसे सर्वोत्तम जो होता है, बेस्ट होता है, उसको सिलेक्ट करते हैं। बहुत से एग्जाम्पल्स से इसको हम समझ सकते हैं कि मेरे पास, हम ये कह सकते हैं कि एक टू आवर्स है, मुझे एक्स्ट्रा टू आवर्स मिल रहे हैं, तो मैं इस टू आवर्स को कैसे स्पेंड करूं। मेरे दिमाग में बहुत सी बातें आ जाएंगी कि मैं इसको पढ़ाई करूं, या मैं कोई टीवी देख लूं, या मैं वॉक कर लूं, है ना। तो इस तरह से बहुत सी हमारे सामने चीज़ें आ जाती है। तो नाउ वी सेलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, मैं हर चीज़ का मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखूंगी कि ये करूंगी तो इसका ये नुकसान है, इसका ये फायदा है। तो हम मेंटल एक प्लान करते हैं कि मुझे ये कार्य करना है तो ये मेरे लिए आगे भविष्य में फायदा करेगा, मुझे लक्ष्य प्राप्ति में हेल्प करेगा। उसी तरह से पैसे को देखें तो मुझे कहीं से पैसे मिले हैं एक्स्ट्रा 5,000, तो अब मैं इसको कहाँ स्पेंड करता हूँ। हमारे पास एक लिस्ट आ जाएगी कि मैं इस पैसे को कपड़ों में भी खर्च कर सकती हूँ, सेविंग भी कर सकती हूँ, कोई घर की चीज़ ले सकती, इस तरह से बहुत से यू हैव अल्टरनेटिव, और जो हमें बेस्ट लगता है हम उसको सिलेक्ट करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि योजना बनाते समय जब भी हम प्लान करते हैं तो हमारे पास बहुत से विकल्प आते हैं, और जो हमें सबसे अच्छा विकल्प लगता है वो हम सिलेक्ट करते हैं ताकि मेरी योजना सफल हो। थर्ड है नियोजन का उद्देश्य और लक्ष्यों पर आधारित होना। अब नियोजन किस पर आधारित होता है, हमारे उद्देश्यों पे, हमारे लक्ष्य। हम नियोजन किसका कर रहे हैं, जो हमें कार्य को पूरा करना है, जो मेरा गोल है, मेरा जो गोल होगा मैं उसी की तो योजना बनाऊंगी। तो मेरा गोल अगर मैं पढ़ाई करना है, मुझे कुछ बनना है, तो मैं योजना उसी की बनाऊंगी। अगर मेरे को पैसे ज़्यादा कमाने हैं तो मेरी योजना उस पर निर्भर करेगी। अगर मुझे खेलों पर इंटरेस्ट है तो मेरी योजना उस पर निर्भर करेगी। तो योजना किस पर डिपेंड कर रही है, इट डिपेंड्स अपॉन योर गोल्स। व्हाट आर योर गोल्स इन लाइफ, व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स इन लाइफ, व्हाट डू यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, दैट विल मेक योर प्लानिंग इफेक्ट। आप प्लानिंग उसी के आधार पर करोगे जो तुम्हारा उद्देश्य होगा। फोर्थ है नियोजन लोचमय एवं परिवर्तनशील प्रक्रिया है। व्हाट डस दिस मीन, इट इज फ्लेक्सिबल एंड चेंजेबल।
योजना बनाने का मतलब नहीं है कि मैंने ये योजना बना दी तो अब ये चेंज नहीं हो सकती. इट शुड बी फ्लैक्सीबल. व्हाट डस दिस मीन? दैट वी हैव टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. कोई इमरजेंसी आ जाती है तो मैं योजना ऐसी बनाऊं कि उसको मैं थोड़ा सा चेंज कर सकूं. हमने पैसे की योजना बनाई, बजट बनाया कि मैं इतने इतने रुपए इस चीज़ पे खर्च करूंगी और इतने मैं सेव करूंगी. बाय चांस कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि हमारा किसी कोई व्यक्ति बीमार, कोई सदस्य बीमार हो गया, एक्सीडेंट हो गया, अब उसका हॉस्पिटल का खर्चा आ गया, तो अब आपको योजना में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा. आपको कुछ पैसा उसमें खर्च करना पड़ेगा, आपको कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ेगी और अपने बचत में से भी पैसा यूज करके उस पर स्पेंड करेगा. व्हाट डज दिस मीन? दैट योर प्रेजेंट इज मोर इम्पोर्टेंट देन योर फ्यूचर. आपको जो पैसा भविष्य के लिए रखा है लेकिन अभी ऐसी स्थिति आ गई है तो आपको अपनी योजना में बदलाव ला करके वो पैसा वहाँ खर्च करना पड़ेगा. तो योजना हमेशा लोचकशील होनी चाहिए. इट शुड बी फ्लेक्सिबल, इट कैन बी चेंज. आप उसमें थोड़ा बदलाव ला सकें. देन नियोजन एक भौतिक और मानसिक प्रक्रिया है. बिकॉज योजना कौन बना रहा है? ह्यूमन बींग्स. वी आर मेकिंग द प्लानिंग. कोई वस्तु नहीं बना रही है. तो दैट मीन्स इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस. हम अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं कि ये कार्य को कैसे करना है. आप हमेशा बैठे होंगे तो भी आपके दिमाग में ये चलता रहेगा कि मुझे ये करना है, इसको मैं कैसे करूँ, मेरे को इतने पैसे चाहिए, मैं कहाँ से लाऊँ, कैसे जमा करूँ, मैं कौन, मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को डॉक्टर बनना है, तो मैं क्या करूँ. तो इस तरह से कोई भी कार्य होता है वो बिना योजना के नहीं होता. और योजना हमेशा हमारे अंदर चलती रहती है. इट्स अ मेंटल प्रोसेस जिसको हम कई बार रिटर्न रूप दे देते हैं. जो हम कह सकते हैं उच्च लेवल में जो योजना होती है, गवर्नमेंट की योजनाएं होती हैं, होती तो मेंटल है, बाद में उसको एक रिटर्न रूप दे दिया जाता है और फिर बाद में लोगों पे बांट दिया जाता है. तो लेकिन ये है क्या? एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है. जो बहुत सोच समझ के योजना बनाता है तो उसकी योजना हमेशा सफल होती है. सो इट इज योजना जो है इंटेलिजेंट बंदा बना सकता है जो कि अच्छे से बनाता है अपने उद्देश्य और साधनों को ध्यान में रख के, ताकि योजना समय पर सफलतापूर्वक पूरी हो सके. एकता. एकता मीन्स वी कैन से दैट देर इज, कोई भी योजना बनाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि सब आपस में मिली हुई होती हैं. देर इज यूनिटी. एक योजना हम बनाते हैं, ठीक है, हमेशा हम ये मान के चलते हैं कि एक योजना जब हम कार्य में ले रहे हैं तो हम दूसरी योजना को बीच में नहीं लाए, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सब मिक्स हो जाएंगी. लेकिन देयर इज यूनिटी. आप एक योजना को पूरा करने के लिए आपको कई छोटी छोटी योजनाओं को भी साथ में लेके चलना पड़ता है. और दूसरी तरफ जैसे ही एक योजना पूरी होती है तो ऑटोमेटिकली दूसरी योजना शुरू हो जाती है. सो देयर इज यूनिटी इन ऑल द जो आपकी प्लानिंग है. देयर आर डिफरेंट प्लान्स. एक प्लान तो होता ही नहीं, बहुत सारे प्लान होते हैं और सब में एकता होती है. सबको एक साथ लेके चलना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग हम कार्य करते हैं. नियोजन की सर्वोपरिता. What does mean? This means कि प्रधानता. जो आपकी योजना है वो सबसे ऊपर है. बिना योजना के कार्य नहीं हो सकता. हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो भी हमारे स्टेप्स हैं उनमें सबसे मेन कौन सा हो गया? प्राइम जो आपका वो है, दैट इज नियोजन. नियोजन सबसे मेन है. इसके बिना और सारे आपके फिर स्टेप्स बेकार हैं. यानी कि सबसे पहले हमें कार्य करने से पहले क्या करना पड़ता है? नियोजन. तो नियोजन जो है दैट इज द मेन स्टेप ऑफ योर होम मैनेजमेंट प्रोसेस. देन पूर्व अनुमानों पर आधारित प्रक्रिया. अब नियोजन क्या है? हम पूर्व अनुमान लगाते हैं कि हम अनुमान लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड फोरकास्टिंग, कि व्हाट विल हैपन, मैं ऐसे काम करूंगी तो क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसको हम एक बार सोचते हैं, पूर्व अनुमान लगाते हैं. दैट इज मेंटल, कि मैं इसको इस तरह से करती हूँ, मैं इतना पैसा जोड़ूंगी तो मेरा उस टाइम तक कितना जुड़ जाएगा, मैं ऐसे पढ़ाई करूंगी तो मेरे इतने घंटों का कितना कोर्स हो जाएगा. दैट इज हम पहले अनुमान लगाते हैं कि मेरा ये योजना है तो मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगी या नहीं. एंड द लास्ट इज नियोजन की सर्वव्यापक. दैट इट इज यूनिवर्सल, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन एवरीबॉडी. हर बंदा, जो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई किसान हो, या घर में ही काम करने वाली होम मेकर हो, या हम कह सकते हैं हाई लेवल पे कोई मिनिस्टर है या कोई ऑफिसर है, हर व्यक्ति ये नियोजना
योजना बनाता है, नियोजन करता है, यानी कि इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, कोई भी कार्य हमारा योजना के बिना नहीं हो सकता। तो हमें ये देखेंगे कि ये जो है नियोजन की कुछ विशेषताएं हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे नियोजन की सीमाएं व दोष, यानी कि इसमें भी हमें कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ हम कह सकते हैं देर आर सम फॉल्ट्स जो कि हम सामना करना पड़ सकता है। वो क्या है? सही सूचनाओं का अभाव। कई बार क्या होता है कि हमने सोचा हम योजना बनाते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, कार्य को बांटते हैं, हमारे ये उद्देश्य हैं, लेकिन जब हम सूचना इकट्ठी करते हैं तो हमें सही नहीं मिलती, और जब सही सूचना नहीं मिलती है तो हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति की ओर नहीं जा पाते। तो कई बार योजना विफल होने का मेन कारण हो सकता है कि आपको जो सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो सही नहीं है। आपको ये बताया जा रहा है कि 2 दिन बाद एग्जाम है और आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर रहे हो, तो एकदम से पता चलता है अरे एग्जाम तो कल था, यानी कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो सही नहीं मिली और आपकी योजना फिर विफल हो जाती है। सेकंड है खर्चीला कार्य। कई बार योजना बनाना काफ़ी महंगा पड़ जाता है। इसमें हमें प्लानिंग करते वक्त जब हम लोगों को काम बांटते हैं या कुछ इस तरह से करते हैं तो हमें उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पाती। हमने किसी को काम दिया और उसने वो कार्य नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसकी वो रुचि के अनुसार नहीं था, उसे वो कार्य करना ही नहीं था। तो अब यहाँ पे आपकी योजना में बदलाव आ गया और अब आपको वो कार्य दूसरे व्यक्ति से करवाना पड़ेगा। तो कई बार हम कह सकते हैं कि ये हमें काफ़ी खर्चीला भी पड़ जाता है। कार्य में विलंब। योजना बनाने से कई बार हम क्योंकि प्लानिंग ही करते रह जाते हैं तो हमारा कार्य सही समय पर शुरू नहीं हो पाता और उसमें विलंब आ जाता है। हमने किसी को कार्य बांटा, उसने नहीं किया, अब आपका क्या हो गया? कार्य में विलंबता आ गई। पहलपन की कमी, यानी कि हु विल टेक द इनिशिएटिव। इसकी वजह से भी कई बार हम कह सकते हैं कि योजना जो है सफल नहीं होती। योजना बन गई लेकिन कोई कार्य शुरू ही नहीं करना चाह रहा, वो कह रहा है कि होम मेकर है जो मेन है वो ही कार्य करे, सिर्फ जो प्रबंधक है उसी का ही कार्य मेन काम करने का है, बाकी लोग आगे बढ़ते ही नहीं है। तो कई बार इस वजह से भी हमारी योजना सफल नहीं हो पाती। देन शीघ्र परिवर्तन। हमने योजना बनाई कि मैं ऐसे से कार्य करूंगा, लेकिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें परिवर्तन करना पड़ जाता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है तो हमें उस चीज़ को बदलना पड़ता है, तो उस वजह से भी कई बार योजना जो है वो सफल नहीं हो पाती। आंतरिक लोचहीनता, दैट इज इट इज़ नॉट फ्लैक्सीबल। कई बार योजना हम बना लेते हैं और हम ऐसी योजना बना लेते हैं जिसमें फ्लैक्सीबिलिटी नहीं होती, आप उसको चाह के भी बदल नहीं पा रहे हो। आपने तो बना लिया कि मैं इतने इतने पैसे इसमें खर्च करूँगी, बस फिक्स कर दिया, और लेकिन कोई इमरजेंसी आ गई तो आपकी इतनी फिक्स योजना है कि आप कहीं से भी पैसों का अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे। तो योजना शुड बी फ्लैक्सीबल, इसमें लोचकशीलता होनी चाहिए। आकस्मिक घटनाएं, कोई आकस्मिक घटना हो गई तब भी आपकी योजना में बदलाव आ जाता है और वो उद्देश्य की हम प्राप्ति नहीं कर पाते। वही जैसे मैंने कहा, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई शादी ब्याह में अचानक जाना पड़ गया तो आपका सब बजट बिगड़ जाता है, तो उस समय भी योजना जो होती है वो सफल नहीं हो पाती। नीरस कार्य, कार्य अगर आपका इंटरेस्टिंग नहीं है, आपको उस कार्य में रुचि नहीं आ रही, तो आप वो कार्य नहीं करना चाहोगे। तो योजना तो बना ली कि ये कार्य करने हैं लेकिन आपको तो इंटरेस्ट ही नहीं है। जैसे हमने किसी को कार्य बांटा तो उसे बोला तुम खाना बनाओ, उसको खाने बनाने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो कार्य को अच्छे ढंग से नहीं करेगा। खाना तो बना देगा लेकिन इट विल बी नॉट टेस्टी, उसमें बहुत सी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कर देगा। तो कई बार नीरस कार्य की वजह से भी योजना जो है वो सफल नहीं हो पाती। एनवायरमेंट इज नॉट प्रॉपर। हम कई बार कार्य कर रहे हैं और आप देखें कि जब हम कार्य कर रहे हैं, अगर आपको सारी सुविधाएं दी जाती हैं, प्रॉपर एनवायरमेंट है, अच्छी हवा आ रही है, रोशनी आ रही है, तो आप कार्य अच्छा करेंगे। लेकिन अगर वहाँ लाइट चली गई और फैन नहीं चल रहा, पसीना पसीना हो रहे, तो आपका जो कार्य की क्वालिटी पे इफेक्ट होगा और वो आपकी योजना जो हो सकता है कि उस समय सफल ना हो पाए। एंड द लास्ट इज मनोवैज्ञानिक बाधाएं। मनोवैज्ञानिक बाधाएं जो होती है, दैट इज योर इमोशनल। आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको उस कार्य करने में मन ही नहीं लगता, आपको एक अचानक से दुख हो गया, किसी बात दुख की खबर मिल गई, तो आपका उस कार्य के प्रति रुचि हट जाएगी और आप वो कार्य करना बंद कर दोगे। तो साइकोलॉजिकल जो हम कह सकते हैं प्रेशर्स होते हैं या इस तरह की परिस्थिति होती है, उनके कारण भी कई बार हमारी योजनाएं जो होती हैं वो
सफल नहीं होती हैं। और कई बार हम ये कह सकते हैं कि हमारा निर्णय सही नहीं होता, हमने जो कार्य बांटा है तो सदस्यों में संतोष नहीं होता, असंतोष की भावना आती है, तब भी हमारी योजना जो है वो सफल नहीं होती है। और कई बार हमें लगता है कि जो हमने उद्देश्य बनाया है हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, तो भी हमें योजना में हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो आपने जो योजना का उद्देश्य बनाया है शुड बी क्लियर, उसको हम पहुँच सकें, वो अनिश्चित नहीं होना चाहिए कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो अगर ऐसी फीलिंग आ जाती है तब भी हमारी जो योजना है वो सही दिशा की ओर नहीं जाती। तो आपका उद्देश्यों पर बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि पूरा बल होना चाहिए, एंड देयर शुड बी क्लियर, हमें क्लियर होना चाहिए कि ये मेरा एम है और ये मेरे रिसोर्सेस हैं और मुझे इसको इस तरह से कार्य करना है। और हम योजना बनाते समय सब सदस्यों को साथ में लें, उनका सहयोग लें, उनकी रुचि के अनुसार, उनकी उम्र के अनुसार कार्य को बांटें, उनकी कार्यकुशलता का भी ध्यान रखें, तभी आपकी योजना जो है अंत तक पहुँच पाएगी, नहीं तो हमारी योजना सफल नहीं हो पाएगी।